और ये जो मजार है ये भी कहीं ना कहीं सरकारी भूमि पर ये मजार है। ये मजार में बैठने वाले लोग हैं और ये इतनी बड़ी मजार क्या कहोगे इसे, ये तो आलीशान कोठी है, जंगलात की जमीन में ऐश है। जंगलात की जमीन में ये हैं, डूब मरो हिंदुओं तुम्हारे चढ़ावे से, ये इतना आलीशान मकबरा, इसके नीचे कुत्ता है या गधा है मुझे नहीं पता, मगर ये सिर्फ मैं ये कहूंगी कि तुम्हारे नोटों पे इनके ऐश हो रहे हैं, इनके घर चल रहे हैं। ये हैं देसी घी के दिए, ये अवैध अतिक्रमण है और अवैध अतिक्रमण में अपनी जमीन लो, आधा बीघा कब तक दरगाह बनाओ, मस्जिद बनाओ, हमें कोई दिक्कत, ऐसे अतिक्रमण होते रहेंगे जंगलात की भूमि पर। दरगाह मजार से धामी जी सिर्फ आदेश देने से ही कुछ नहीं होता, अमल भी करना पड़ता है कुछ चीजों को। ये हिंदू भैया हैं जो यहाँ बैठते हैं, जिनका नाम क्या है भाई? अनूप नेगी। आप कब से हो यहाँ पे? मैम बचपन से ही कर रहे थे वा? भाई बचपन से तो ये बना ही नहीं था रोड। अरे मेरे भाई क्या बात कर रहे हो, कितनी उम्र हो गई आपकी है, कमाल हो गया आप तो हमसे। ऐसा ना, हमारे बाप दादा यहीं के हुए, हम यहीं के हुए। बात सुनो ना। हाँ चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, पुराने लोगों से पूछ लो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना। तो ठीक है, इसकी रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री तो नहीं है मैम। तो फिर किसकी जमीन में बना हुआ, कैसे बना है ये जायज है या ना जायज है? अब इस बारे में तो हम क्या बताएं मैम, ये बनाया किसने, आप किसने बनाया ये तो पता नहीं, बहुत पहले से हम भी ऐसे ही देख रहे है ना। चलो आप बहुत पहले से देख रहे हो, मगर हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, अब ये थोड़े दिनों बाद आप इसे नहीं देखोगे, मैं तो यही कहना चाहूंगी। और शर्म की बात है कि आप जैसे हिंदू भाई इस मजार में आ रहे हो, आपको इन पीर बाबा के सपने आ रहे, अपने देवी देवता के सपने नहीं आए आपको? सबका मानते मैं, अपने देवी देवता को मानते। ये बंदा टोपी लेके बैठा है, ये बंदा टोपी लेके दिखा, यही तो है, ये देखो टोपी लेके, टोपी लगा, आप टोपी लगा के बैठते हो यहाँ पे? इन्होंने जब हम आए तो टोपी लगाई हुई थी, क्या हो गया आपको? आप हिंदुओं के टोपी क्यों लगाने लग गए? फिर तो खतना वतना सभी हो रखा होगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बदले हुए धर्म परिवर्तन वाले हिंदू हो, हम आप जैसे हिंदुओं को नहीं मानते। फिर ये धर्म परिवर्तन वाले हिंदू हैं और ये बाबा जी तो इतना उलझ रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अरे नाम क्यों नहीं बताओगे, जिससे रोजी रोटी चल रही है आपकी, क्यों नहीं बताओगे आप नाम? उत्तराखंड में खाना खा रहे हो, उत्तराखंड के वालों से इतने इतने पैसे हड़प रहे हो, इतना इतना काम आपका चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कैसे नहीं बताओगे नाम? अरे काहे के लिए आते हो यहाँ पे, आते काहे के लिए हो, आके आते क्यों हो? ये बाप दादाओं की प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तुम्हारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है यहाँ पे सरकारी। अरे ये प्रॉपर्टी है किसकी ये बताओ ना, जंगलात की भूमि, मैं यहाँ मंदिर बना रही हूँ अभी, अब भी बना रही हूँ मैं, त्रिशूल ला रखी, और ना इसके नाक में दम कर दूं। तुम हिंदू हो के टोपी पहनने वालों की तो मैं टोपी उतरवा दूंगी फिर अच्छी तरह। नहीं है ये भाई हिंदू है, लेकिन टोपी इसने पहनी मेरा वीडियो में।